morning everyone, welcome back to my channel. I am back with another vlog. अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ. ये मैंने कल रात काजल लगाया था ना, इसकी वजह से मेरा आँखें सूज रही है. अभी मैं फ्रेश ना फ्रेश में होके मिलती हूँ. मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है. फ्रेश अप हो गई हूँ मैं, चाय पी ली थी मैंने और अब ब्रेकफास्ट बना रही है मम्मी. सैंडविच बना रही है. थकान हो रही है बहुत ही. आई एम टायर्ड ऑफ मी राइट नाउ. मिलते हैं फिर थोड़ी देर में. ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, इसमें बैंगन की स्टफिंग है. भाई ताल है ना, पेट में दर्द हो रहा है मेरा. मैं कह रही थी कि अभी मैंने अपने उससे बात करी ना, मैनेजर से. मैंने बोला कि जैसे अभी मेरी ट्रेनिंग की शिफ्ट जो है 1 से 5 है, तो फिर भी ठीक है. तो वरना जो ट्रेनिंग के बाद तो वापस से 5 से 10 होने वाला है. तो मैंने अभी उससे बात करी, मैंने उससे बोला कि क्या बोलते हैं कि कोई और शिफ्ट में नहीं हो सकता. तो उसने बोला कि एक मॉर्निंग की शिफ्ट है 4 से ना. तो मैंने बोला कि अगर वो शिफ्ट हो सकती है तो मैं उसमें कम्फर्टेबल हो जाऊँगी, बिकॉज शाम से ज़्यादा मैं सुबह काम करना पसंद करूँगी. क्योंकि देखो 9 बजे के बाद क्या होगा कि मेरे पास पूरा दिन होगा, लेकिन शाम का टाइम मैं नहीं देना चाहती हूँ. शाम को मैं थोड़ा फ्री रहना चाहती हूँ. सुबह सुबह निपट जाए सब तो ज़्यादा सही रहेगा. बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी बिकॉज बाहर बैठ के लोग सब बातें करने वाले हैं. मेरा डोरेमोन गिरने वाला है, उसकी आवाज़ आ रही है ऐसे झड़ने की, टिक टिक. अभी मैं फिलहाल पढ़ने बैठी थी बट मैंने सोचा कि एक बार बात कर लेती हूँ, बिकॉज पेन टाइप का भी कुछ बात हुई थी कल जो कि मैं खुद से खरीदूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एक बार खरीदने के बाद वो मेरे कहाँ ही काम आएगा. तो ये वैसे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है देना, तो उसकी वजह से मैंने उसे बोला. तो उसे बोला था वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी पर फिर भी वो एक बार बात करके बताएगी. तो उसके लिए आवाज़ आ रही ना मुझे सारा कि अब गिरेगा तब गिरेगा करके. ओके तो पढ़ने बैठते हैं फिर उसके बाद काम पे लग जाना है. अजीब मन हो रहा है ना, उठने का तक मन नहीं हो रहा है. तो मैं ऐसे यहाँ बिस्तर में लगा के बैठी हुआ रखा है मैंने, वरना मैं वहाँ बैठती थी टेबल पे. अभी मैंने यहाँ लगा रखा है और मैं यहीं पे बैठ के पढ़ाऊँगी, मतलब ट्रेनिंग लूँगी जो भी थी. बाल बनाने हैं, वॉशरूम भी जाना है, फिर बीच में नहीं उठ सकती. अभी जब उठने लगे हमारे लॉग इन कर लेते हैं. हाँ तो मैं बताई थी ना मैंने शिफ्ट टाइमिंग चेंज करने की बात करी थी, मतलब उनसे मैनेजर से. तो उन्होंने बोला कि हाँ हो सकती है, शाम को 5 से 10 ना करके आप सुबह 4 से 9 भी बढ़ा सकते हो. तो मैंने कहा कि ठीक है मैं सुबह 4 से 9 ही बढ़ाऊँगी बिकॉज वो कंफर्टेबल है मिलने. शाम से ज़्यादा मैं सुबह सही रहेगा, सुबह पढ़ा पढ़ के निपटा लूँगी अपने आप को. तो बोल रही थी कि हाँ आप कर सकते हो ऐसा, तो आप मेल डाल देना तो मेरा टाइमिंग चेंज होने वाला है. फिर से मैं अपने करेंट टाइम उसके ड्यू में आ जाऊँगी बिकॉज ये शाम को ना होके सुबह होगा. 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, 1 हफ्ते मेरी 1 से 5 होगी, फिर अगले हफ्ते 5 से 10 होगी. तो थोड़ा सा टाइम उसके ड्यू में चेंज होगा उस समय, बट वापस से फिर मैं अपने ट्रैक में आ जाऊँगी. तो यही थी एक अपडेट जो मैं देना चाह रही थी, मेरी मैनेजर से जब बात हुई थी उसके लिए. अभी मैं बैठूँगी जब काम करने फिर मिलते हैं. मैं वर्क फ्रॉम होम का एक ही फ़ायदा होता है कि तुम घर के कपड़े भी पहन सकते हो. रही मैं अभी फ़िलहाल 4 मिनट बचे हैं ज्वाइन होने के लिए. ठीक है करते हैं काम, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में. बाय. This I can go in shape format, go in shape fill,
गई तब से बैठे बैठे जो दर्द हो रही थी ना हाय, और जो नींद आ रही थी वो अलग। कंटेंट कैसे बनाना है उसके बारे में बात कर रही थी वो। किसने बोला कि बैठे बैठे रहने की जॉब अच्छी होती है? नहीं होती है भाई, भूख भी लग रही थी, वॉशरूम भी जाना था। मम्मी को बोलती हूँ कि भूख लगी है, खाना दे दो, आधे घंटे का ब्रेक मिला है तो खाना खा लेते हैं तब तक। ओके, राजमा बना है आज, अचार, बैंगन की सब्जी, और ये खाते हैं। महीना हो गया, वापस से बैठते हैं। 3:30 पे वापस से मीटिंग चालू होगी, अभी 9:25। सो लगते हैं तो मीटिंग 6 बजे ख़त्म हुई, जिम जा रही हूँ। आज कार्डियो नहीं होगी तो शायद जिम का नहीं दिखाऊँ, वैसे ट्राई करूँगी। ओके एवरीवन, मैं जिम से आ गई हूँ। जिम में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज भरा हुआ था आज जिम, पर भूख लगी है, भूख लगी नहीं है पर खाना पड़ेगा एनर्जी के लिए। आज पता नहीं मन बड़ा ही अजीब। खाने में मम्मी ने वैसे व्रत के लिए आलू टमाटर बनाया है और हम खाएंगे भिंडी, कुछ रोटियां और क्या है, चावल है, दही है, और यही है बस। खाना खाते हैं, मम्मी अभी खाना खा रही है तो मैं अपना खाना लगाती हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं। ये रहा मेरा डिनर, एंड आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ऑलरेडी सो सो टायर्ड, सो आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू। ओके।